दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि हमारे स्मार्टफोन में डार्क मोड और नाइट मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये डार्क मोड जो है किसी किसी फोन में देखने को मिलता है, लेकिन जो नाइट मोड है ये सभी स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। इससे क्या होता है कि अगर आप लोग ज़्यादा समय तक अपने स्मार्टफोन को यूज़ करते हो, खासकर रात में अपने स्मार्टफोन को यूज़ करते हो, तो इस नाइट मोड को या फिर डार्क मोड को एनेबल करके आप लोग स्मार्टफोन को यूज़ करोगे तो आप लोगों के आंखों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी को देखते हुए कई सारी एप्लीकेशन ऐसी हैं जिसमें डार्क मोड का ऑप्शन जो है आ चुका है। आप लोग डार्क मोड को एनेबल करके अपने किसी भी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। खासकर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन जैसे कि व्हाट्सअप हो गई, फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम हो गई। इंस्टाग्राम में तो अभी डार्क मोड नहीं आया है, जो एप्पल का फोन यूज करते हैं आईएसओ वर्जन में जो है डार्क मोड जो है ऑप्शन देखने को मिलता है। लेकिन जो नॉर्मली जो एंड्रॉयड यूजर हैं उन लोगों में इंस्टाग्राम के डार्क मोड का फीचर जो है उन लोगों को नहीं मिला है। और दोस्तों, खासकर जो यूट्यूब क्रिएटर हैं उनके लिए तो यूट्यूब एप्लीकेशन में डार्क मोड का फीचर कुछ दिनों पहले यानी कि कुछ महीने पहले आ गया था, लेकिन अब जो है फाइनली आप लोगों के YT स्टूडियो एप्लीकेशन में भी डार्क मोड का फीचर जो है दे दिया गया है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि डार्क मोड का फीचर जो है YT स्टूडियो में फाइनली मिल चुका है। दोस्तों, YT स्टूडियो में डार्क मोड को एनेबल करने के लिए आप लोगों को चले जाना है प्ले स्टोर में और वहाँ पे YT स्टूडियो सर्च कर देना है। YT स्टूडियो सर्च करने के बाद उस एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद जैसे ही इसे आप ओपन करेंगे, ओपन करते ही आप लोगों को जो है सिंपली जो है जैसा इंटरफेस दिखता है वैसा ही दिखेगा। आप लोगों को अपने लेफ्ट साइड में चले जाना है, वहाँ पे एक लोगो बना होता है, इस लोगो पे क्लिक करेंगे तो नीचे एक सेटिंग का ऑप्शन बना होता है। इस सेटिंग का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को डार्क मोड का जो फीचर है उसको वहाँ पे एनेबल करने का ऑप्शन मिलता है। उसको आप लोग एनेबल करके आप लोग जो है YT स्टूडियो में डार्क मोड को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता है कि जो YT स्टूडियो एप्लीकेशन है उसमें डार्क मोड आ चुका है। तो फाइनली मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग अपने YT स्टूडियो को अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद जो ये फीचर है डार्क मोड का आप लोग से यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे काफी मोटिवेट करता है और मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं। और दोस्तों, अगर आप लोगों का कोई भी कमेंट हो तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। अगर आप लोगों को मुझसे कुछ भी पूछना हो, यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही।